हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं काश और आप देख रहे हैं कुछ बिस्कुट आज के इस इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल चेंज कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आप अपने ट्रैफिक को गेन कर सकते हो, इससे अच्छे से अच्छे सर्च रिजल्ट्स में यानी कि गूगल सर्च रिजल्ट्स में ला सकते हो या फिर यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स में ला सकते हो। इससे फ़ायदा आपको कुछ और भी हो सकता है, जैसे मैं आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो कि मैंने कस्टम यूआरएल चेंज किया, जैसे मैं मेरे यूआरएल हो जाता है, मेरे चैनल का यूआरएल हो जाता है www.youtube.com/kuchbhisko। इसी तरह हो सकता है आपका कोई अदर नेम हो यानी कि आपके चैनल का कोई और नेम हो तो उसी तरह आप दे सकते हो www.youtube.com/others-names, यानी कि जो आपके चैनल का नेम हो उस तरह का कस्टम यूआरएल कैसे आप यूट्यूब पे यानी कि यूट्यूब चैनल का क्रिएट कर सकते हो। आज का वीडियो उसी टॉपिक पे, बट आपको ध्यान देना होगा कि इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि मैक्सिमम आपको 100 से ऊपर सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अगर आपका सब्सक्राइबर 100 से कम हुआ तो आप इस तरह का लिंक यानी कि URL बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपका जो चैनल है, आपका जो YouTube चैनल है, वो 1 month ओल्ड होना चाहिए कि 1 month पुराना YouTube चैनल आपका होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को लॉन्ग न ले जाती हूँ, फाइनली एक बार तो देखता हूँ आज के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो। वेलकम बैक। तो आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल जो कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल, मेरा ये कोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नहीं है। और यहाँ पे इसकी अगर आप URL पे गौर करें तो यहाँ पे काफ़ी लंबा सा कोडिंग आ जाता है, काफ़ी लंबा सा URL आ जाता है जिसे याद करने में आपको काफ़ी कठिनाइयाँ आ सकती है और इससे आप आसानी से याद भी नहीं रख सकते हो। तो इसके URL को इसे आप चेंज करना चाहते हो, अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो इस आइकन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे एक चक्री से आइकन आपको दिखेंगी YouTube सेटिंग्स की। इस सेटिंग्स आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे एडवांस्ड का ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो एडवांस्ड पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको कुछ कस्टम यूआरएल सिस्टम है चेंज्ड और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो, लर्न मोर इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो लर्न मोर पे क्लिक करके पढ़ सकते हो और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसके लिए आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आपके पास होने चाहिए और आपका जो चैनल हो 1 month पुराना होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर अ कस्टम यू आर एल क्लेम इट। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे हियर पे क्लिक करके इसे क्लेम कर सकते हो। तो हियर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको यू आर एल चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो youtube.com/c/satyaprakash और यहाँ पे आप आई हैव रीड एंड अग्री टू द कस्टम यू आर एल, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को आप यहाँ से पढ़ सकते हो और इसे फॉलो कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और चेंज कस्टम यू आर एल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेनी पीपल हैव द सेम नेम, यानी कि इस तरह का जो नेम है वो किसी ने यूज़ कर लिया है, पहले से इसे यूज़ कर लिया, तो मैं इस तरह का नेम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो कस्टम यू आर एल ओनली 1 person के हाथ में ही ऐसा रहता है, यानी कि एक चैनल का एक ही कस्टम यू आर एल होता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स ऐड करने होते हैं, कुछ इसे चेंज करने होते हैं जिससे कि मैं यहाँ पे कस्टम यू आर एल ले पाऊँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे MUZAAFRQR और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी सिको /c/satyaprakash और यहाँ पे मुजफ्फरपुर यहाँ पे आ चुका है। तो इससे आप चाहो तो दोबारा से भी चेक कर सकते हो क्योंकि इससे अगर आप एक बार चेंज कर देते हो तो फिर दोबारा इसे चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको वर्ड में आपको ध्यान से देखना होगा कि किसी तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो यहाँ पे टिक मार्क का साइन आपको दिख जाता है क्योंकि ये अवेलेबल है, इस तरह का लिंक्स अवेलेबल है, तो इस तरह का URL कस्टम URL आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आई हैव रीड एंड अग्री टू द कस्टम URL पे क्लिक यहाँ पे करना है और उसके बाद यहाँ पे चेंज URL पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कन्फर्म कस्टम URL, आर यू श्योर द वांट टू चेंज योर पब्लिक URL टू, इस तरह का URL आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वंस यू कन्फर्म द कस्टम URL यू कांट चेंज इट अगेन और ट्रांसफर द URL टू समवन एल्स। तो इसका मतलब है कि आप दोबारा से इसे चेंज नहीं करना चाहते हो, क्या कन्फर्म हो आप इस तरह के URL लेने के लिए, तो इस तरह का URL आपको चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे कन्फर्म चॉइस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे वर्किंग इट। और यहाँ पे आप देख सकते हो द चैनल डज नॉट एग्जिस्ट और यहाँ पे माई चैनल पे अगर आप जाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो URL यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो URL यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊँगा और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ youtube.com/satyaprakash MUZAAFRQR और यहाँ पे आप दोबारा से चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे मैं
क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ कि मेरा जो कस्टम यूआरएल यहाँ पे चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो www.youtube.com/satyaprakash और मुजफ्फरपुर, यहाँ पे मेरा जो कस्टम यूआरएल यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरह का कस्टम यूआरएल आप आसानी से इजिली चेंज कर सकते हो। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए, कुछ भी और सीखते रहिए मोबाइल कंप्यूटर एंड्रॉइड और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में।